असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो आज हमारे किचन में बन रहा है ग्रिल चिकन विद वाइट मशरूम सॉस जिसको मैंने सर्व किया है मेकरोनीज़ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टाइम्स गेट द रेसिपी ग्रिल चिकन और मशरूम वाइट सॉस के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए है, वो हैं चिकन बोनलेस जिनका हमने बारीक फिलेज़ में जो है वो कट कर लिया है और बहुत मोटा चिकन जो है वो नहीं होना चाहिए उससे आपका जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता और जूसी भी नहीं बनता है चिकन के हमने फिलेज़ ले लिए हैं दो जितने भी आपने बनाने आप उतने ले सकते हैं उसके बाद मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर वन टी स्पून सिरका वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून लहसन का पेस्ट है वन टी स्पून और ये है रेड चिली फ्लेक्स वन टी स्पून ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं यूज़ होंगे चिकन की मैरिनेशन के लिए तो हम एक बॉल ले लेंगे और उसमें हम सारे जो अपने स्पाइसेस हैं वो उसमें डाल लेंगे बॉल में हम डाल लेंगे सिरका और उसके बाद हम डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना उसके बाद हम डालेंगे नमक ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स इसके बाद मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी जो चिकन फिलेज़ हैं वो इसमें मैरिनेट करके रख देंगे फॉर वन टू तो टू तो आवर्स हाफ़ एन आवर की मैरिनेशन भी अच्छी होती है लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं तो आपकी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से जूसी और टेंडर सी बनती है उसके बाद हम अपना ग्रिल पैन लेंगे ग्रिल पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो गरम करेंगे उसके बाद मैंने इस पर डाला है बटर बटर डालने के बाद आप इस पर डाल देंगे अपने चिकन के फिलेस ग्रिल पैन में चिकन डालने के बाद आप उसको एक साइड से तीन से चार मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे और तीन से चार मिनट के बाद जो है आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे तो ये एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाता है और फिर चेंज करने के बाद आप इसको दूसरी साइड से तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए उसके बाद जब तक चिकन रेडी हो रहा है हम अब करेंगे वाइट सॉस की प्रपरेशन जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वाइट मशरूम्स मैंने यूज़ किए हैं हाफ कप टेन टिन मशरूम्स होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं उसके बाद उनको चॉप कर लिया उसके बाद है वन टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स एक कप फुल मैंने लिया है ट्रेटर पैक मिल्क पैक क्रीम एक ग्लास दो दू, दूध दो चीज़ के स्लाइसिस बटर टू टेबल स्पून और उसके बाद लिया है वन टीस्पून सॉल्ट और टू टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मिल्क पैक ट्रेटरा पैक या जो भी आप यूज़ करना चाहें उसके बाद हम ले लेंगे पैन पैन को गर्म करेंगे उसमें बटर डाल लेंगे और बटर अच्छी तरह जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम ऐड कर लेंगे मशरूम्स मशरूम्स का जो साइज़ भी आपको पसंद है आप उसनी साइज़ और शेप में कट करके आप डाल सकते हैं मशरूम्स को अच्छी तरह बटर में सौते कर लेने के बाद हम इसमें डाल लेंगे मिल्क और मिल्क ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि दूध जो है वो अच्छी तरह पक जाए उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे क्रीम क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुटली जो है वो क्रीम की ना बनी रह जाए और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ लेंगे जब दूध जो है वो उबलने लग जाएगा तो इसमें आप अपने सारे डाल डालेंगे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिए दोनों चीज़ के स्लाइसेस इकट्ठे और उसके बाद चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करके सॉस में हम इसको पकड़े देंगे तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं आ जाती अच्छा जब तक हमारी सॉस रेडी हो रही है आप वीडियो को पॉज करें गो एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ताकि जब भी कोई अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में फ़ौरन शो हो जाए अच्छा अब हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो गई है और अब बिल्कुल ये रेडी हो गई है चिकन भी जो है वो बिल्कुल ग्रिल हो गया है और बिल्कुल रेडी टू ईट है अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक डिश में और बिल्कुल अंदर तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका हुआ है हमने इसको सर्व कर लिया फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ इसकी टॉप लेयरिंग करेंगे सॉस के साथ और इसके साथ हम वेजिटेबल्स मेकरोनीज़ या कुछ भी साइड आइटम्स रखना चाहें मैश पोटैटोज़ या कुछ भी बट डेबर यू लाइक आप इसको रख सकते हैं और अपने मील इन्जॉय कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह हाफिज़